हाल चाल ठीक ठाक है। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपके कारोबार में बरकत दे। तो ईद के दिन आपको बहुत बहुत सब लोगों को ईद मुबारक हो, मेरे व्यूअर्स को। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने घर में बड़े के पाए बना लूँ तो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये मैंने पाए 2 अदद पाए लिए थे, जिनको मैंने रात से धो के अच्छे तरीके से वाश करके इनको पानी में खुला पानी डाल के इनको, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल के इसको रात से पकड़े, और इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला मैंने डाला, यानी कि ये तेज़पत्ता, 2-4 लौंगे और काली मिर्चें और थोड़ा सा जीरा डाल के ये रात से खूब अच्छे तरीके से पकड़े, यानी कि ये बहुत से गल गए हैं। तो अब इनका मैंने मसाला तैयार करना, जो कि मैं आपको बताती हूँ मसाला। तो ये है कि ये हल्की आंच पे जब तक ऐसे मैंने इनको रखा हुआ है, ये थोड़े और अच्छे से हो गए। जितना हम पाए को पकाएंगे उतना ही ये मज़ेदार बनेंगे। जब वीवर्स पाए तो मैंने एक साइड पर हल्की आंच पे और रख दिए ताकि वो अच्छे से और हो जाए, ताकि जितना हम पाव को पकाएंगे उतना ही इनमें जायका आता है। तो माशाल्लाह हड्डियाँ भी माँ उसकी काफ़ी गल चुकी हैं। तो ये मैंने 1 अदद प्याज ली थी, जिसको मैंने पहले से ब्राउन करके इसको मैंने चूरा कर लिया है। तो ये मैंने वैसे ही मैंने प्याज अपनी यानी ब्राउन करके रखी हुई अपने घर में, तो मैं जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। और ये रफली मैंने सादा प्याज यानी इसको ब्राउन नहीं करा, ये ऐसी मैंने कच्ची प्याज रखी। तो ये 1 अदद तकरीबन प्याज है दरमियाने साइज की, तो इसको भी मैंने ऐसी रफली काट लिया। इन दोनों प्याजों को मिला के मैंने ग्राइंड करना है। चले जी, ये व्यूअर्स हमारा पेस्ट तैयार हो गया फाइन सा। ये भुनी हुई प्याज और जो हमने रफली काटी थी यानी प्याज, सादी प्याज, वो हमने दोनों का मिक्स करके हमने इसका पेस्ट बना लिया। अब हमने ये तकरीबन 1/2 कप हमारा ये ऑयल है, तो इसके अंदर हमें ये प्याज डालनी है। अगर तो वीवर ये प्याज मैंने डाल दिए दोनों मिक्स, इनका पेस्ट बना के तकरीबन ऑयल में थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने 1/2 कप ऑयल और डाल दिया इसके अंदर। तकरीबन 1 कप इसमें ऑयल हो गया है, उधर अगर ज़्यादा भी होगा तो हम बाद में ऑयल अपना निकाल लेंगे। इसके साथ ही हमने के पत्ते में हमने ये 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना। हमने 1 टेबल स्पून मैंने उसमें डाल दिया था और 2 इसमें डाले, तकरीबन 3 हो गए इसमें। इसको हम चलाते जाएंगे, इसका मसाला हमने अच्छे से भूनना है, मसाले को पाए के तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसका मसाला भूनने के लिए। काफ़ी देर हमने इसको यानी भुनाई करनी है इसकी मसाले की। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें ये हल्दी डाली है, और 3 टेबल स्पून ये मैं इसमें पिसी मिर्ची डाल ली, 3 टेबल स्पून जितना आपकी हो यानी जितने आपके पास उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप अपना मसाला डाल सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से भुनाई करनी है। इसमें नमक हमने कम ही डालना है, ना टमाटर डाले हैं और ना ही मैंने इसमें दही का इस्तेमाल करा है, क्योंकि पाए ज़्यादा देर तक रखे जा पाए ज़्यादा देर तक रखने होते हैं यानी कि, तो इसलिए इसमें ना दही डालनी है और ना ही टमाटर, क्योंकि इन चीज़ों से पाए ख़राब होने का यानी सालन ख़राब होने का अंदेशा होता है। इसलिए ना मैंने इसमें दही डाली और ना ही टमाटर, सिर्फ सिंपल मैं पाए ऐसे मसाले डाल के बनाऊँगी। तो पाव का तो वैसे ही अपना इतना ज़ायका होता है, तो इसमें कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डालना है, 1/2 टेबल स्पून क्योंकि नमक मैंने पाव में भी डाला था तो कम हो जाए तो उसको हम डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि ज़्यादा की गुंजाइश नहीं होती कम करने की। तो इसको हमने अच्छे से बुनाई करना है। ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा माशाल्लाह ये देखिए भून चुका है, ऑयल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया। तब ये हमने अपने पाए जो हमने बनाए थे उबाले थे उसके अंदर ये मसाला ऐड करना है। चलिए हम ये अपना खोलते हैं, ये देखिए पाए हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो जो हमने ये मसाला रेडी किया था वो हमने इसके अंदर मिक्स करना है।
डाल दो इसके अंदर। आपने ये मेरी रेसिपी आप ज़रूर एक बार ट्राई करनी है, तो ये माशाल्लाह इतने मज़ेदार लगेंगे आपको कि आप फिर हर दफ़ा इसी रेसिपी को इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसमें कलर आया है, तो बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे जैसे बाज़ार से, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार घर में तैयार हो जाएंगे आपके पाए। पाए मज़ेदार जब भी बनेंगे जब आप इसको लेके धो के अच्छी तरह वाश करके सारा दिन को हल्की आंच में पकने दें। 10 से 12 घंटे मैंने इसको पकाए हैं पाए को, और इसमें मैंने बोंग डाली थी, बोंग मैंने थोड़ी देर बाद डाली थी क्योंकि बोंग गल जाती है, इसलिए फिर वो मैंने जब पाए हो गए थे अच्छी तरीके से तो मैंने 1 घंटा पहले उसमें बोंग डाल दी थी, तो वो बोंग भी माशाल्लाह हमारी देखें गल गई है अच्छे तरीके से, हलवा हो गई है। तो पकने से ही इसका जायका निकलता है पाव का, तो आपने इसको जितना भी हो सके आपने इसको ज़्यादा पकाना है खुला पानी डाल के। तो इसको हमने अब 10 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि इसका जो मसाला है अच्छी तरह बोगियों में इसमें जज्ब हो जाए। तो 10 मिनट बाद हम इसको देखेंगे कौन मसाले का ऐड करना है। गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला अच्छी क्वालिटी का, ये 1 चम्मच भर के हमने इसमें ऐड कर देना है, तो अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने गरम मसाला डाला है जो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, उसमें हमने जीरा भी पिसा हुआ डालना है पाउडर का, वो भी 1 टेबलस्पून डालना है हमने पिसा हुआ जीरे का, वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। चले अब इसको हमने 10 से 15 मिनट के बाद इसको यानी अच्छी तरीके से ये हमारा हो गया 10 से 15 मिनट पक के हमारा, ये देखें इसके हमने फ्लेम बंद कर दिया नीचे से, तो इसको हम थोड़ी देर तक चेक करते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें मैंने टी शर्ट खोल ली है अपने पाए, ये देखें कितने प्यारे और कितने खूबसूरत लगे, यानी ये यमी भी बहुत ज़्यादा होंगे। आप मेरी इस रेसिपी के बाद ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ईजी और बहुत क्विकली बन जाएगी आपके पाए। तो व्यूअर्स मुझे इस रेसिपी के साथ इजाज़त है अल्लाह, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और मेरे अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड को भी मेरी वीडियो सेंड कर दिया करें ताकि मेरा चैनल ग्रोथ करे। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।